उधर सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। किशोरगंज में सोमवार की शाम को सीएम के काफिले पर हमला कर दिया गया था, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गंभीर चोटें भी आई थी और सीएम को सुरक्षित दूसरे रास्ते से रवाना करना पड़ा था। 3 जनवरी को राजधानी रांची में राज्य को शर्मसार करने वाली घटना घटी। ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सिरकटी युवती का शव बरामद किया। 24 घंटा बीत जाने के बाद भी इस घटना के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। 4 जनवरी की शाम लोगों का जनाक्रोश सड़क पर उतर आया। लोगों का जनाक्रोश इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में भैरव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिन पर पुलिस के द्वारा हाफ मर्डर, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे एक दर्जन धारा लगाए गए। भैरव सिंह के अधिवक्ता कीर्ति और अभिनंदन तिवारी ने कहा कि पुलिसी अनुसंधान में जो केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, उस केस डायरी को देखने के बाद बचाव के पक्ष में आगे की कार्रवाई होगी। भैरव सिंह को जो है आज सरेंडर करवाया है न्यायालय में, आत्मसमर्पण करवा दिया है आज जो है, और अब आगे की कार्रवाई हम लोग जो है सो कोर्ट में करते हैं। 14 दिनों क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? बहुत सारा 323, 324, 120, 354, 307 है ना, जितने भी हमको लगता है कि जितना भी धारा लगता है उन लोगों को मन में आ रहा होगा सब डाल दिया। ये कार्रवाई होती है न्यायालय में, अभियुक्त का मिलान किया गया, क्या वही व्यक्ति समर्पण कर रहा है दूसरा कोई, न्यायालय पहले संतुष्ट हो ली तब न्यायिक अभिक्षा में उसको लिया गया। मुख्यमंत्री के काफिले को रोक कर हमला करने के मामले में भैरव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसने रांची सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भैरव सिंह को 7 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान भैरव सिंह के चेहरे पर शिकन की एक लकीर तक देखने को नहीं मिली। जेल जाते वक्त भैरव सिंह ने राज्य सरकार से कहा कि हत्यारे को जेल भेजने के बजाय निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। की संख्या में जो बलात्कार हो रहे हैं, घंटों से पीटा गया, महिलाओं को झोटा नोच नोच के मारा गया, बच्चों तक को मारा गया और इसको घटनाओं कोई और ही रंग दे दिया गया। मैं अपनी बहन की, जो हमारी बहन का बलात्कार हुआ था, उस बहन के अपराधी है, उस जो बहन है जिसके, उसके जो हत्यारे हैं वो आज भी घूम रहे हैं, और जो लोग उस हत्यारों के विरोध में रोड में उतरते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। ओरमांझी में हुई घटना ने गिरते पारे के बीच सूबे की राजनीतिक सरगर्मी का पारा चढ़ा दिया। दरअसल इस घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस ने हत्या की गुत्थी नहीं सुलझाई, युवती की अब तक पहचान भी नहीं हो पाई। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब भी कई आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन पवन के साथ दीपक उराव और अंकुर की रिपोर्ट।